प्राचीन ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बना रखा है। बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग को रोकने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंध पैकेज पर विचार किया। ताइवान के पास चीन के सैन्य युद्धाभ्यास जारी रखने के साथ अमेरिका स्वशासित द्वीप पर संभावित आक्रमण के लिए तैयार है। कथित तौर पर पश्चिमी देश बीजिंग पर हमला करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध पैकेज के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस बीच ताइपे ने यूरोपीय संघ पर भी इसी तरह के उपाय करने के लिए दबाव डाला है। सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन और ताइपे में यूरोपीय संघ के दूतों की अलग अलग पैरवी पर विचार विमर्श प्रारंभिक चरण में था। एक चीनी आक्रमण की बढ़ती आशंकाओं की प्रतिक्रिया अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि शो को ताइवान पर आक्रमण करने के प्रयास से रोकने के लिए देश चीन के खिलाफ प्रतिबंधों के संभावित पैकेज पर विचार कर रहा है। ताइवान के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के लिए आह्वान तेज कर दिया है क्योंकि चीन द्वीप के चारों ओर सैन्याभ्यास करता है। हाल ही में एक चीनी श्वेत पत्र जिसने बीजिंग के द्वीप पर नियंत्रण करने पर सैनिकों या प्रशासकों को ताइवान नहीं भेजने के वादे को वापस ले लिया, यूरोप के साथ अपने प्रयासों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण के बारे में चर्चा कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे की यात्रा के बाद स्थिति ने अतिरिक्त तत्कालिकता प्राप्त कर ली है। यदि प्रतिबंध वास्तव में लगाए जाते हैं तो यह कंप्यूटर चिप्स और दूरसंचार उपकरण जैसी कुछ संवेदनशील तकनीकों के व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों के रूप में होने की संभावना है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बल प्रयोग से इनकार किए बिना लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप को बीजिंग के नियंत्रण में लाने की कसम खाई है। ताइवान की सरकार चीन के संप्रभुता के दावों को दृढ़ता से खारिज करती है। पिछले महीने पेलोसी की यात्रा के बाद एक उकसावे के रूप में देखा गया। चीन ने द्वीप पर मिसाइलें दागी और अपने अनौपचारिक समुद्री सीमा के पार युद्धपोतों को रवाना किया।